हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 1 और 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। जो सेक्शन 1 है वो बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज अ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, इस एक्ट को हम क्या कहेंगे? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहेंगे। ठीक है, और ये बोला है, ये एक्सटेंड करता है होल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्योंकि जब से हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, उसके बाद जितने भी लॉ जो है वो सेंट्रल लॉ हैं, वो सारे ही जम्मू एंड कश्मीर में भी इक्वली अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, फिर बोला कि अप्लाई होगा टू हिंदूज जो कि डोमिसाइल इन द टेरिटरी हैं, और एक्सटेंड करता है जो कि आउटसाइड द सेट टेरिटरी हैं उन पर। मीन इट मीन्स, इसका सिंपल वर्ड्स में हम मतलब ले लेते हैं कि जो लोग जो कि पहले हमारी इंडियन टेरिटरी में रह रहे थे और उसके बाद वो आउटसाइड द टेरिटरी मतलब किसी फॉरेन कंट्री में रहने के लिए चले गए हैं, उन पर भी इक्वली ये एप्लीकेबल होगा ये एक्ट। ठीक है, सेक्शन 2 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट के बारे में। फर्स्टली बोला है ये एक्ट उस पर अप्लाई होगा जो कि हिंदू है बाय रिलीजन। ठीक है, और किसी भी फॉर्म में या और वो हिंदू धर्म को फॉलो करता है, जैसे कि ब्रह्म हो गया, प्रार्थना हो गया और आर्य समाज जो हो गया, वो पूजा पाठ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है इस एक्ट, ये एक्ट जो है उन सभी लोगों पर एप्लीकेबल होगा जो कि बाय रिलीजन हिंदू हैं और या तो वो फॉलो करते हैं ब्रह्म हो, प्रार्थना और आर्य समाज को, जो कि हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है, उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू रिलीजन को जो जो लोग फॉलो करते हैं, जैसे भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, वो लोग जो होंगे वो हिंदू माने जाएंगे और इन पर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट में बोला है एनी पर्सन, वो क्या है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है बाय रिलीजन, उसको हम हिंदू बोलेंगे और उस पर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। फिर बोला, एक तो बोल दिया कि वो लोग जो कि हिंदू हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं बाय रिलीजन, वो हो गए हिंदू। फिर बचे कौन? बचे कौन से? मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यू। हमारे थर्ड क्लॉज सी क्लॉज में यही बात करी है कि कोई भी एनी पर्सन जो कि डोमिसाइल है इन द टेरिटरी और एक्सटेंड करता है हु इज नॉट अ मुस्लिम, वो या तो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है बाय रिलीजन, तो वो क्या होंगे? हिंदू माने जाएंगे। ठीक है, मतलब जो कि मुस्लिम की कैटेगरी में नहीं आते, क्रिश्चियन की कैटेगरी में नहीं आता, पारसी में नहीं आता, ज्यूज में नहीं आएंगे, तो उसको उनको मान लिया जाएगा कि वो हिंदू है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है? पहले तो बोल दिया कि फॉलोइंग पर्सन हु आर कौन होंगे? हिंदूज हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ये रिलीजन हो गए हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। यदि इन केसेस में से कोई भी पर्सन है तो इन केस में भी ऐसा कोई चाइल्ड जो कि इन रिलीजन से है वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। लेजिटिमेट इलेजिटिमेट में क्या डिफरेंस होता है? लेजिटिमेट वो बच्चे होते हैं जो कि एक प्रॉपर शादी के बाद पैदा हो किन्हीं पेरेंट्स के को, और इलेजिटिमेट बच्चे वो होते हैं जो कि या तो शादी से पहले पैदा हो जाए या तो कहीं शादी, या तो शादी होगी और शादी के बाहर जाके कहीं दूसरे इंसान से वो बच्चा पैदा हो, तो वो होता है इलेजिटिमेट। ठीक है, बोला है एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, उनके उसके पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स में से, बोला है या तो हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, बाय रिलीजन, तो हम उसको बोलेंगे हिंदू और उन पर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बी में बोल दिया कोई भी बच्चा चाहे वो लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, उनमें से एक पेरेंट्स चाहे मदर होगी या फादर हो गया, कोई भी पेरेंट्स बुद्ध है, जैन है, सिख है या हिंदूस है, उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और सी में बोल दिया कोई भी पर्सन जिसने कन्वर्ट किया है या हिंदू रिलीजन, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि कोई पर्सन है जिसने पहले वो मुस्लिम में था, बाद में हिंदू में आ गया और रीकन्वर्ट किया है, इट मीन्स कि कोई पर्सन पहले हिंदू था, फिर मुस्लिम हो गया, फिर दोबारा से फिर से उसने हिंदू में कन्वर्ट कर लिया, उसको बोलते हैं रीकन्वर्ट।
टू द हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, उसको हम बोलेंगे हिंदू, और उन पर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। सब क्लास टू में बात करी है, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन सबसेक्शन वन, नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शेल अप्लाई टू द मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 25 ऑफ द आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बाई द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गेजेट। बोला है कि आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स दिए गए हैं वो मेंबर, उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये प्रोविजो बताया गया है, एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। बोला है इन पर ये एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन जारी कर सकती है ऑफिशियल गजट में, अदरवाइज बोला है उनको डायरेक्ट कर सकती है, तभी ये एक्ट जो है वो उन पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फिर बोला है कि ऐसा कोई बच्चा जो कि हिंदू है या एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट में शैल वी कॉन्स्टिट्यूट As if it include a person who or thought not a Hindu by religion is nevertheless a person is whom this act apply by virtue of this provision contained in the sections. ठीक है, फिर बात करते हैं who is Hindu, simple words में। तो पहले तो बोला कि हम इस person को Hindu बोलेंगे, जो कि एक तो पहले बोल दिया कि वो क्या होगा, by religion Hindu होगा। फिर बोला कि वो क्या है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, रिलीजन बाय रिलीजन, तब हम उसको हिंदू बोलेंगे। फिर बोला या तो वो पैदा हुआ है हिंदू फैमिली में, उनके पेरेंट्स हिंदू हैं, और फिर बोला कि वो क्या नहीं है, मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, ज्यू नहीं है, उसको हम हिंदू बोलेंगे। ठीक है, एक केस है शास्त्री वर्सेस मूलदास का, जिसमें एक्सप्रेसली डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंदू टर्म को, जिसमें ये केस जो था वो रिलेट करता है स्वामी नारायण टेम्पल ऑफ इन जो कि अहमदाबाद में है उनमें, उससे। वहाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि एक ग्रुप बनाया था उन्होंने, सत्संगी पीपल बोलते थे अपने आप को, और वो क्या करते थे, मैनेज करते थे जो भी टेम्पल के अफेयर्स होंगे, मैनेजमेंट होगी, उसको मैनेज करते थे। ठीक है, और वो अपने आप को सत्संगी बोलते थे, और नॉन सत्संगी लोग जो थे, हरिजन जो लोग थे, उनको एंटर करने में रिस्ट्रिक्शन लगाई थी उन्होंने। ठीक है, और आर्ग्यू करते थे कि हम लोग क्या हैं, सत्संगी हैं, और हम डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और हमें, हम पर कोई हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया कि सत्संगी आर एस समाज के हों या राधा स्वामी से, कोई भी सत्संगी है जिनका जन्म, जो कि बिलोंग करते हैं हिंदू रिलीजन से, बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिनेट अंडर द हिंदू फिलॉसफी, क्योंकि वो उनका जन्म जो है, रीजन जो है वो हिंदू फिलॉसफी से हुआ है, तब हम उनको हिंदू बोलेंगे। और हिंदू बाय रिलीजन का क्या मतलब है कि वो क्या हैं, लोग जो हैं वो बाय रिलीजन हिंदू हैं, चाहे वो कन्वर्जन से हो, रिकन्वर्जन से हो। कन्वर्जन और रिकन्वर्जन मैंने आपको बताया कि पहले कोई पर्सन मुस्लिम था, उसने बाद में हिंदू को में कन्वर्ट कर लिया, तो वो कन्वर्जन हो गया। रिकन्वर्जन, पहले कोई पर्सन था, वो पहले हिंदू में था, फिर दोबारा से मुस्लिम में चला गया, फिर दोबारा से फिर से हिंदू में आ गया, उसको बोलते हैं रिकन्वर्जन। ठीक है, एक केस है पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी का, इसमें इसमें हुआ क्या था कि एक पर्सन, अ पर्सन कैन बी कॉल्ड एज हिंदू बाय कन्वर्जन। इस केस में क्या था, पेरुमल फादर था पुन्नुस्वामी का, और उसने शादी की थी पुन्नुस्वामी की मदर से, वो क्या थी, इंडियन क्रिश्चियन थी वो। ठीक है, और इन फ्यूचर कुछ उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ डिफरेंसेस आ गए, उसके बाद वो दोनों, जो पेरुमल था और उसकी वाइफ थी पुन्नुस्वामी की मदर, वो अलग अलग रहने लग पड़े, और अलग अलग रहने लग पड़े तो इन फ्यूचर पुन्नुस्वामी की जो मदर थी, उन्होंने पेरुमल को पूछा कि उसे शेयर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो चाहिए, और पुन्नुस्वामी को उसका शेयर ऑफ प्रॉपर्टी जो दिया था। तो पेरुमल ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि हमारी तो मैरिज ही जो थी वो हिंदू एंड क्रिश्चियन की थी, और वो वॉइड है, इसलिए तुम्हें जो है वो शेयर नहीं मिलेगा, तुम्हारे बेटे को भी नहीं मिलेगा पुन्नुस्वामी को। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया कि रियल इंटेंशन जो है सफिशिएंट एविडेंस है किसी भी कन्वर्जन का। ठीक है, एंड नो फॉर्मल सेरेमनी ऑफ प्यूरिफिकेशन इज नॉट नीडेड।
यहाँ पर कहीं कहीं भी फॉर्मल सेरेमनी और ऑफ प्योरिफिकेशन की नीड नहीं है कन्वर्जन ऑफ हिंदुइज्म में। तो इसमें बोला कि ये जो है वो वैलिड नहीं, इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट अ वॉइड, एंड पुण्यस्वामी वो है टाइटल इंटाइटल है वो शेयर लेने के लिए। इसमें बोला फॉर कन्वर्जन द पर्सन शुड हैव द बोनाफाइड इंटेंशन, यदि किसी पर्सन को अपना रिलीजन जो है वो कन्वर्ट करना है तो उसको बोनाफाइड इंटेंशन चाहिए, और शुड नॉट हैव एनी रीजन ऑफ टू बी कन्वर्ट, और उसको कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए उस पर्सन की जो कि कन्वर्ट कर रहा है अपनी रिलीजन को, ठीक है। और फिर बोला कि ऐसा चाइल्ड जो कि हिंदू है, मदर हिंदू मदर एंड द मुस्लिम फादर है उसके, तो वो माना जाएगा हिंदू, क्योंकि उस उनमें बोला है कि उस बच्चे का एक पेरेंट्स तो क्या है हिंदू है, तब उसको हिंदू माना जाएगा, ठीक है। और द कोडिफाइड हिंदू लॉ लेड ऑन द पर्सन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन और जू, ऐसा माना जाता है कि जो कि मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, जू नहीं है, तब हम उस बच्चे को क्या मानेंगे, हिंदू मानेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारे सेक्शन 1 और 2 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने यहाँ सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है, यदि आप इन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और हमने ज्यूरिसप्रूडेंस जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। यदि आपने ज्यूरिसप्रूडेंस की सारी वीडियोज़ देखनी होगी तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके ज्यूरिसप्रूडेंस की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।